हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इवेंट होराइज़न ओ लेवल। और आज का वीडियो है पार्ट 2 इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, हमने देखा था कि वो जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 9:25 AM में, और वो एग्ज़ाम चलने वाला है आपका 2 घंटा, मतलब 11:25 में वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम चलने के दौरान बीच में इवांस को क्या होता है, ठंड लगती है, और ठंड लगने के कारण वो एक ब्लैंकेट के लिए रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है? इन्विजिलेटर से। इन्विजिलेटर है कौन? मिस्टर मैक्लेरी। तो उनसे एक ब्लैंकेट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो मैक्लेरी बोलते हैं चलो ठीक है ले लो ब्लैंकेट, अब आगे हमें देखना कि क्या होता है। At 10:51 AM, Stephen was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulder. तो 10:51 AM हो चुका है और इवांस का काम ही क्या था कि वो सेल के बाहर खड़ा था वो, और बीच बीच में वो पी फोल के जरिए वो झाक झाक के अंदर देख रहा था कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो जब वो अंदर पी फोल के जरिए झाक के देखा तो वो पाया कि इवांस का जो शोल्जर है उस पर ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट, मतलब जो हीट को रेगुलेट करे वैसा ब्लैंकेट इवांस ओढ़े हुए था शोल्जर्स पे। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। और तो स्टेफन जो है वो थोड़ा फ्राउन करता है। फ्राउन करना किसे कहते हैं? आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं फ्राउन करना। तो स्टेफन फ्राउन करता है और एग्जामिनी मतलब इवांस को और भी ध्यान से देखता है। बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर। लेकिन इवांस जो था अभी भी पेन जो था उसके दांतों के बीच में था, और वो अभी भी वैसे ही वैकेंटली ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता है, वैसे ही वो देखे जा रहा था डोर की ओर। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट के अंदर एकदम ब्लैंकली बैठा हुआ था वो। शुड स्टेफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी? तो स्टेफन सोचता है कि क्या मुझे यह बात जाके जैक्सन को बतानी चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडन जैक्सन सेड, और जैक्सन ने कहा भी था कि कुछ भी गड़बड़ी दिखे, फिशी मतलब गड़बड़ी दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, वो फिर से देखता है पीप होल से एक बार और। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। और इस बार जब उसने देखा इवांस को तो उसने पाया कि इवांस जो था वो जो ब्लैंकेट ओढ़े हुए था वो उसको और भी अपने और खींच रहा है। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट? तो स्टेफन सोचता है कि कहीं इवांस एक बैटमैन की तरह उछल के मैक्लेरी को तो नहीं सफोकेट कर देगा, सफोकेट मतलब उसका गला तो नहीं दबा देगा। डोंट बी डाफ्ट, फिर स्टेफन सोचता है कि नहीं इतना भी बेवकूफ़ मत बनो। देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, आपको पता है इवांस को डी विंग में रखा गया था। तो स्टेफन सोचता है कि इस साइड में तो कभी धूप आता नहीं है, सन का रोशनी आता नहीं है, नो हीटिंग आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ, और समर के महीनों में भी इतना ज़्यादा हीट यहाँ पे आता नहीं है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और कुछ सेल्स में काफ़ी ठंड हो सकती है। स्टेफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। तो स्टेफन ने सोचा कि चलो जैक्सन को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और वापस से वो फिर से अपना पहले वाला जो रूटीन था हर मिनट पीप होल के जरिए ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एट 10:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। आपको पता है एग्ज़ाम 11:25 में एंड हो जाना है, तो 11:20 हो चुका है, और 11:20 होते ही वो जो रिसीवर था जो सेल में लगा हुआ था वो रिसीवर के जरिए फिर से आवाज़ सुनाई पड़ा गवर्नर को। और क्या आवाज़ सुनाई पड़ा? मिस्टर मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड इवांस डेट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड। मैक्लेरी बता रहे होते हैं इवांस को कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है एग्ज़ाम ख़त्म होने में। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, एग्जामिनेशन अब एकदम ख़त्म ही हो चुका था, होने वाला था। बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर माइंड्स, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ गवर्नर के माइंड में कुछ नॉट अवे का मतलब होता है वरी, अभी भी गवर्नर के माइंड में कुछ वरी था, टेंशन था। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, और गवर्नर फिर से एक बार फोन उठाया। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टेफन्स। तो 11:22 पर जैक्सन कुछ बोलते हैं स्टेफन्स को। द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विथ हिम, गवर्नर चाहते थे कि वो स्टेफन से बात करे, तो वही जैक्सन स्टेफन को बोलते हैं कि हरी मैन, लेकिन जल्दी करो गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। स्टेफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन वर्ड्स। तो स्टेफन एप्रीहेंसिवली मतलब वॉरिडली वो जल्दी जल्दी जाता है फ़ोन की तरफ और सुनता है जो भी गवर्नर उसको ऑर्डर देते हैं। स्टेफन हिमसेल्फ वॉज टू एकम्पनी मैक्लेरी
टू द मेन प्रिजन गेट्स। और ऑर्डर क्या मिलता है, ऑर्डर यह मिलता है कि स्टेफन को खुद जाना होता है मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट्स तक छोड़ने के लिए। ये पहला ऑर्डर था, अंडरस्टूड। जब गवर्नर पूछते हैं कि समझे, स्टेफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। और दूसरा ड्यूटी क्या देते हैं, दूसरा ऑर्डर देते हैं कि स्टेफन को ये भी मेक श्योर करना था कि जब मैक्लेरी को वो बाहर ले जाए तो सेल का जो डोर है उसको अच्छे से लॉक कर दे ताकि इवांस को भागने का मौका ना मिले। फिर गवर्नर पूछते हैं अंडरस्टूड, समझे कि नहीं, तो स्टेफन जवाब देता है अंडरस्टूड, समझ गए। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। और 11:25 पर जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब गवर्नर को कुछ फाइनल बातचीत सुनाई पड़ता है। फाइनल बातचीत क्या है, मैक्लेरी बोलते हैं स्टॉप राइटिंग प्लीज, साइलेंस। मैक्लेरी फिर बोलते हैं पुट योर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। देखिए अपने सीट्स को देखो सही ऑर्डर में है कि नहीं और नंबरिंग कर दो सही से। अभी भी साइलेंस है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, चेयर्स एंड टेबल्स का खड़कने का आवाज़ आता है। इवांस बोलता है थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लेरी बोलते हैं ऑल राइट वॉज इट, पूछते हैं कि एग्ज़ाम ठीक था, तो इवांस बोलता है नॉट टू बैड, हाँ बहुत बुरा नहीं था। फिर मैक्लेरी बोलते हैं गुड मिस्टर स्टेफन्स, वेरी लाउड, जोर से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। और आखिरी बार उस दरवाजा बंद होने का आवाज़ आता है और इसी के साथ वो एग्ज़ाम एंड हो जाता है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टेफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स। तो जब स्टेफन मैक्लेरी को छोड़ने जा रहे थे मेन गेट्स की तरफ, तब स्टेफन पूछते हैं मैक्लेरी से कि क्या लगता है आपको एग्ज़ाम कैसा दिया उसने। ओच आई कैन नॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ आई एम अफ्रेड। तो मैक्लेरी जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता है वो अपने आप को अच्छा एग्ज़ाम दे पाया है। डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ मतलब कोई एग्ज़ाम को पास करना, मुझे नहीं लगता है कि वो एग्ज़ाम अच्छा किया है, आई एम अफ्रेड, मुझे टेंशन डर है। हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम टू ब्रॉडर देन एवर। और वो तो उनका बात करने का तरीका स्कॉटिश वे में था, थोड़ा स्कॉटिश एक्सेंट था और लग रहा था कुछ ज़्यादा ही स्कॉटिश लग रहा था इस समय। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर। और उनके जो लंबे ओवरकोट जो था जो अभी उनके घुटनों तक पहुंच रहा था, ऐसा लग रहा था उस ओवरकोट को देख के कि वो थोड़े स्लिम हो गए, स्लिम मतलब थोड़े पतले हो गए हैं एग्जामिनेशन के बाद। स्टेफन्स फेल्ट प्लीज डैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रीमाइसेस। तो स्टेफन को इस बात का खुशी भी है कि गवर्नर उनको बोले हैं मैक्लेरी को छोड़ने के लिए बाहर, ना कि जैक्सन को, ठीक है। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल। और ओवरऑल बोला जाए तो सुबह जो है वो अच्छा से बीत गया, एग्जामिनेशन अच्छे से खत्म हो गया था। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ था जो स्टेफन को रोका एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने से, अभी भी उसके दिमाग में कुछ टेंशन था। वो क्या करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। वो सोचा कि चलो एक बार जाकर इवांस को देखाते हैं। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। तो एक टीवी प्रोग्राम में भी उसको देखने को मिला था कि अबाउट अ वुमेन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट सी हैड लॉक द फ्रंट डोर व्हेन सी हैड गॉन टू बेड। एक वुमेन थी, उसको कभी भी ये विश्वास नहीं होता था कि उसने फ्रंट डोर को लॉक किया है कि नहीं, हमेशा वो डाउट में रहती थी। ऑफन शी वुड गॉट अप 12, 15 समटाइम्स 20 times टू चेक द बोल्ट्स। और वो अक्सर 12 या फिर 15 नहीं, कभी कभी तो 20 उठ के वो चेक करती थी कि उसने जेट के लिए लगाया है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ स्टेफन के साथ भी हो रहा था। उसके मन में क्या आया कि वो चला गया फिर से इवांस को चेक करने कि उसका सेल डोर अच्छे से लॉक है कि नहीं। ही री एंटर डीविंग, वो वापस से डीविंग में जाते हैं। मेड हीज वे अलॉन्ग द इवांस सेल, इवांस सेल की तरफ जाते हैं। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और पीप होल दोबारा खोलते हैं और अंदर देखते हैं। ओ नो क्राइस्ट नो, लगे अरे नहीं हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वॉज अ मैन। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टेफन्स थॉट इट मस्ट बी इवांस, अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। उसने अंदर क्या देखा, उसने देखा कि स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर, इवांस जिस चेयर पर बैठा हुआ था वहाँ पर स्प्रॉल्ड बैक, स्प्रॉल्ड बैक कैसा पोजीशन होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस पोजीशन में एक इंसान बैठा हुआ था और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो इंसान इवांस ही है, लेकिन वो इवांस नहीं था वो इंसान। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और वो जो ब्लैंकेट था ग्रे कलर का वो उसके कंधे से पिछल के नीचे गिर रहा था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्टेड हेयर अ वॉश विथ फियर रेड ब्लड। और उसका जो फ्रंट था और क्लोजली क्रॉप्ड मतलब बहुत छोटे छोटे बाल थे उसके और इरेगुलरली कटे हुए थे, वो अवास, अवास मतलब होता है कवर्ड, उसका पूरा सिर जो था बालों के साथ में वो कवर्ड था विथ रेड ब्लड, लाल लाल खून से पूरा सिर भरा हुआ था। विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और वो खून इतना ज़्यादा निकला था कि उसके
बियर्ड से होते हुए एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, उसके गले में जो कॉलर था वो कॉलर से होते हुए एंड डाउन इंटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और उसके जो ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था वहाँ तक खून चला गया था, तो इतना ज़्यादा खून निकला हुआ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी अभी उस सेल में इवांस तो नहीं है, बल्कि उसके जगह पर कौन है, मैक्लेरी है। तो ऐसा लग रहा है कि इवांस ने मैक्लेरी पर हमला करके उसका ड्रेस चेंज करके बाहर निकल गया और असली मैक्लेरी अंदर रह गए। फिलहाल अभी तक तो ऐसा लग रहा है। स्टेफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन, वाइल्डली फॉर जैक्सन। तो स्टेफन चिल्ला कर बोलता है कि जैक्सन आप आइए यहाँ पे। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लेरीज ईयर्स। और स्टेफन का जो ये आवाज़ था, ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ मैक्लेरी के कानों में भी गया। किसको पेनिट्रेट करके? पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मतलब कवर्ड मैक्लेरीज ईयर्स। तो इतना ज़्यादा ब्लड निकला था सिर से, तो ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड एक पर्दा बना चुका था मैक्लेरी के कानों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि स्टेफन का आवाज़ उस पर्दे को पेनिट्रेट करके मैक्लेरी के कानों में गया, क्योंकि फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। क्योंकि स्टेफन का आवाज़ सुनते ही मिनिस्टर का जो हैंड था वो धीरे धीरे उठ के और अपने हैंकरचीफ को निकालने के लिए गया पॉकेट से। मतलब मिस्टर मैक्लेरी जो थे वो अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकालते हैं एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और हैंकरचीफ निकाल के अपने सिर पर रखते हैं जहाँ से खून निकल रहा होता है। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लेनिन, और वो ब्लड धीरे धीरे निकल रहा था और वाइट लेनिन की ओर जा रहा था। ही गेव अ लॉन्ग लो मून, और वो दर्द के मारे थोड़े कहराए एंड ट्राइड टू स्पीक, और कुछ बोलने का कोशिश भी किए, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उनका आवाज़ बंद हो गया। एंड बाई द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और जब तक जैक्सन वहाँ पर पहुँचते एंड डिस्पैच स्टेफन टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, और जब तक कि वो स्टेफन को भेजते कि जाओ पुलिस को इन्फॉर्म करो और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करो, द हैंकर चीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वेज ऑफ क्लोथ। स्टिकी मतलब चिपचिपा, स्क्वेल्ची मतलब वेट, वॉज मतलब पीस ऑफ क्लोथ। तब तक इतना ही जल्दी वो हैंकर चीफ जो था, जो मैक्लेरी ने निकाला था अपने पॉकेट से, वो हैंकर चीफ काफ़ी चिपचिपा हो गया था, वेट हो गया था, वेट पीस ऑफ क्लोथ हो गया था। इतना जल्दी वो पूरा का पूरा रूमाल भीग गया था खून से। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, तो मैक्लेरी धीरे धीरे खड़े होते हैं। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन, और जब वो अपने फेस को टर्न करते हैं तो काफ़ी दर्द होता है उन्हें। डिड नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑल राइट। तो बोलते हैं कि एम्बुलेंस का टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर ही, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। ही क्लोज हिज आईज एंड अनदर ड्रीप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर। और इतना बोल के वो अपना आँख बंद कर लेते हैं, और इतना बोलते ही एक उनके सिर पर से बारिश की बूंदों की तरह खून नीचे गिर जाते हैं वुडन फ्लोर पे। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और वो अपने हाथों से ढूंढते हैं कुछ टेबल पे। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, वो जर्मन क्वेश्चन पेपर उन्हें हाथ में उठाते हैं एंड ग्रैब्स इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेंड हैंड, और खून से लथपथ हाथों से वो क्वेश्चन पेपर को पकड़ते हैं और बोलते हैं, गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, मतलब कि गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया होगा। ऑलमोस्ट इमिडिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, और ऑलमोस्ट तभी तुरंत ही क्या हुआ, हर जगह सायरन का आवाज चलने बजने लगा। प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर, जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स थे सब एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे थे। पजल्ड प्रिजनर, जो कन्फ्यूज कैदी लोग जो थे वो भी पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, इधर उधर कॉरिडोर में चल फिर रहे थे। डोर्स वर बैंगड एंड बोल्टेड, सभी डोर्स को बंद कर दिया गया, झिटकी लगा दिया गया। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फ़ोन का घंटी का आवाज़ बजने लगा। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टेफन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाई द गवर्नर। और ठीक एक मिनट के अंदर मैक्लेरी को जैक्सन और स्टेफन दोनों सहारा देते हुए बाहर लेके आते हैं, और मैक्लेरी का जो चेहरा है अब स्ट्रिक्ड एंड केक्ड, मतलब स्ट्रिक्ड मतलब होता है डिफरेंट लाइन्स ऑफ ब्लड, उनके जो सिर पर से ब्लड गिर रहा था वो अलग अलग लाइन में गिर रहा था। एंड केक्ड मतलब सूख के खड़ा हो जाना, जो ब्लड जो गिर रहे थे लाइन के रूप में वो सब ब्लड सूख के खड़े हो गए थे। विथ ड्राइंग ब्लड वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाई द गवर्नर। तो मैक्लेरी मिलते हैं गवर्नर से प्रिजन यार्ड में, परप्लेक्स्ड एंड ग्रीम। तो गवर्नर काफ़ी कन्फ्यूज्ड है और ग्रीम मतलब वॉरिड है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमिडिएटली, आई जस्ट डोंट। तो गवर्नर बोलते हैं कि हमें आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि
इतना बोलते हैं कि तभी मैकलेरी उनके बात को काट के बोलते हैं, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुलाया? गवर्नर बोलते हैं, यस यस दे आर ऑन देयर वे, बट हाँ हाँ मैंने बुला दिया है, वो लोग रास्ते में हैं, लेकिन फिर उस बात को काट के मैकलेरी फिर से बोलते हैं कि आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, लुक लुक हेयर, लेकिन आप यहाँ देखो। Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. और वो काफ़ी अजीब तरीके से जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं और गवर्नर के फेस की तरफ दिखा के बोलते हैं, इट्स हेयर, डू यू सी वॉट आई मीन, मतलब कि यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज वॉट मैकलेरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, तो गवर्नर देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि मैकलेरी क्या बोलना चाह रहे हैं। अ फोटो कॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो एक फोटो कॉपी शीट था, एक पेज था जिसको काफ़ी सावधानी से और काफ़ी चतुराई से सुपर इम्पोज मतलब चिपका दिया गया था ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यूजुअली लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या होता है, ब्लैंक पेज होता है, लेकिन उस पर एक फोटो कॉपीड शीट कुछ लिखा हुआ था उस पर, वो चिपकाया हुआ था और उस फोटो कॉपीड शीट में जर्मन में कुछ लिखा हुआ था। यू सी वॉट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, तो मैकलेरी बोलते हैं कि आपने देखा उन्होंने क्या किया है। His voice trailed off again, और फिर से उसका आवाज़ बंद हो जाता है। As the governor dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. तो गवर्नर अब कोशिश कर रहे हैं dredging the layers of long neglected learning. Dredging मतलब clearing, और बहुत पहले जो उन्होंने पढ़ा हुआ था जर्मन लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज को काफ़ी गौर से याद करते हुए वो पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने जो जर्मन टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ नहीं रहे, सीधा उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, वो पढ़ते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्लान अच्छे से फॉलो करना है, फिर और कुछ लिखा हुआ है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि 3 मिनट का पहले वाला, एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले वाला समय सबसे मेन टाइम है। बट समथिंग समथिंग फिर कुछ लिखा हुआ है, समथिंग समथिंग डोंट हिट हिम टू हार्ड, ज़्यादा जोर से मत मारना, रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, याद रखो कि वो एक मिनिस्टर है, मतलब मैकलेरी के बारे में बोला जा रहा है। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वेन, और ज़्यादा स्कॉटिश एक्सेंट में बात मत कर लेना, ओवर डू मत कर देना उसको। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है उस पर, और भी कुछ लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ेंगे। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो, तो तभी बहुत तेज़ी से चलता हुआ सायरन का आवाज़ आता है वहाँ पे। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, और प्रिजन यार्ड के जो ग्रेट बड़े बड़े डोर्स थे उसको खोला जाता है। एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वेल्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम, और एक वाइट पुलिस कार बहुत तेज़ी से आकर वहाँ पर रुकता है, और कार में से उतरता कौन है, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर। तो ये है हमारा 7th कैरेक्टर। तो ये आते हैं यहाँ पर, स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट एंड सैल्यूटेड द गवर्नर, पैसेंजर सीट से वो उतरते हैं और गवर्नर को सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं, व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर, एंड टर्न टू मैकलेरी, क्राइस्ट हु हिट हिम, और बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैकलेरी की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हु इज हिट हिम, इसे किसने मार दा। बट मैकलेरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन मैकलेरी गवर्नर जो भी बोलने वाले थे उसको बोलने से पहले ही मैकलेरी बोलते हैं कि एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, बोले कि इधर चलिए एल्सफील्ड वे, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली, काफ़ी जोर जोर से सांस ले रहा था मैकलेरी, एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और सपोर्ट के लिए वो कार के साइड में खड़ा हो गया। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, जहाँ पे उसके खून से लथपथ हाथों का जो छाप है वो गाड़ी पे बैठ गया। इन बीवाइल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, बीवाइल्डरमेंट मतलब घबराहट, कार्टर काफ़ी घबराहट में गवर्नर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अब क्या, वॉट, टेक हिम विथ यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, तो गवर्नर बोलते हैं कि इसको तुम अपने साथ ले जाओ अगर तुम सोचते हो कि ये अगर ठीक रहेंगे तो। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, यही वो है जिनको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बाकी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड, तो कार्टर बैक डोर खोलते हैं कार का और मैकलेरी को अंदर बैठा देते हैं। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लीव्ड अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल, स्पॉट ऑफ ग्रेवल मतलब बहुत तेज़ी से, और कुछ ही सेकेंड में गाड़ी वहाँ से चला जाता है। एल्सफील्ड वे मैकलेरी हैड सेड, तो गवर्नर बोलते हैं कि एल्सफील्ड वे जाना है। एंड देयर इट वॉज स्टार्टिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, और उनके सामने जो वो फोटो कॉपी शीट था जर्मन का, गवर्नर उसको फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट,
तो एनफील्ड एल्सफील्ड वे से होते हुए उनको कहाँ जाना है, हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ जाना है जहाँ पर फिर डॉट डॉट है, येस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एनफील्ड वे एल्सफील्ड वे। तो हाँ बिल्कुल, हेडिंगटन राउंड अबाउट से अगर आप टर्न लेंगे तो वहाँ पर आगे जाके क्या मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन बोर्ड मिलेगा और उसी रास्ते में पड़ता है। एंड समवन फ्रॉम द एग्जामिनेशन समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और गवर्नर सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई एग्जामिनेशन बोर्ड से ही कोई इंसान मिला हुआ है इस प्लान में। द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ द करेक्शन स्लिप, क्वेश्चन पेपर का बात ले लो, वो पेपर कैसे चिपका वहाँ पर, करेक्शन स्लिप आया, ये सब चीज़ तभी हो सकता है जब एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई इंसान वहाँ पर इस प्लान में शामिल हो। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टेफन्स, तो गवर्नर अब जैक्सन और स्टेफन की तरफ टर्न करते हैं और बोलते हैं आई डोंट नीड टू टेल यू वॉट हैज़ हैपन्ड डू आई, बोलते हैं कि मुझे तो बताने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्केथिंग कंटेम्प्ट, तो इतना वो इंसल्ट कर रहे थे दोनों का, लेकिन फिर भी इंसल्ट करते हुए भी उनका वॉइस से लग रहा था कि वो बहुत काम थे। स्केथिंग स्केथिंग का मतलब होता है वेरी क्रिटिकल, तो काफ़ी वो क्रिटिकल होकर बोलते हैं कि इंसल्ट करते हुए बोलते हैं कि मुझे तो बताने का जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरोन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटल वॉक, और तुम दोनों में से कौन वो मोरोन था, मोरोन मतलब स्टूपिड, तुम दोनों में से कौन वो स्टूपिड था जो इवांस को, मतलब वो जो मैक्लेरी का वेश धारण किए हुए था, उसको मेन गेट तक छोड़ के आया और उसको बाय बाय बोल के आया, कौन वो तुम दोनों में से बेवकूफ़ था। इट वॉज मी सर स्टैमर्ड स्टेफन्स, तो स्टेफन हकलाते हुए बोलते हैं कि सर वो मैं था, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया सर, आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं ये कसम खा कर बोल सकता हूँ। वॉट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू यू से वॉट द हेल, तो गवर्नर का दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है और बोलते हैं कि क्या मैंने तुमने कहा, मैंने तुम्हें कहा था, क्या बोल रहे हो तुम। वैन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी टू, आपने तो मुझे फ़ोन करके बोला था और ये सब बोला था। वैन वॉज डैट, द गवर्नर वॉइस वॉज अ वी प्लैश नाउ, और गवर्नर की बात अब चाबुक की तरह निकल रही थी और बोले कि कब मैंने बोला ऐसा। यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर, आपको पता है सर अबाउट 11:20 में आपने फ़ोन किया था। गवर्नर बोलते हैं कि यू ब्लिथरिंग इडियट, ब्लिथरिंग मतलब कंप्लीट, बोला कि तुम पूरे का पूरे इडियट हो मैन, इट वॉजेंट मी हु रैंग यू, मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था। डोंट यू रियलाइज, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं था कि तुम मुझे एक बार फ़ोन करके पूछ लो। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि बट वॉट वॉज द यूज़, लेकिन इसका यूज़ भी क्या था। ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, कि सोचते हैं कि उसका यूज़ भी क्या था, वो फ़ोन कर भी लेता तो, क्योंकि उस समय वो फ़ोन को वो खुद यूज़ कर रहे थे, एग्जामिनेशन बोर्ड में वो फ़ोन लगा रहे थे लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था, तो अगर स्टेफन उनको फ़ोन भी लगाते तो उसका कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि फ़ोन इंगेज्ड आता। ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर, तो गवर्नर अपना सिर हिलाते हैं काफ़ी दुख में। एंड टर्न टू द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और टर्न करते हैं सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ, आपको पता है सीनियर प्रिजन ऑफिसर कौन है, मिस्टर जैक्सन है, और बोलते हैं एज फॉर यू जैक्सन, और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन है, पूछते हैं कि तुम कितने दिन तक प्रिटेंड करोगे कि तुम्हारे पास एक ब्रेन है। वेल आई विल टेल यू समथिंग, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारा जो खोपड़ी है वो खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, कुछ नहीं है तुम्हारे ब्रेन में। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवान सेल द प्रीवियस इवनिंग, वो जैक्सन ही था जिसने इवान्स के सेल में 2 घंटे स्पेंड किए थे पिछली शाम को। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड डैट देर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, और वो जैक्सन ही था जिसने वो रिपोर्ट किया था कि कोई भी चीज़ वहाँ पर छिपा हुआ नहीं है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं था। एंड येट इवान्स हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ डॉग कॉलर एंड द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफेर्नेलिया, तो इवान्स था जो ना ही बहुत ही छिपा के रखा था, वो फिर भी क्या क्या छिपा के रखा था, फॉल्स बियर्ड छिपा के रख लिया, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, डॉग कॉलर, वो जो गले में व्हाइट कलर का कॉलर था उसी को डॉग कॉलर भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे क्लरिकल पैराफेर्नेलिया, पैराफेर्नेलिया मतलब डिफरेंट आइटम्स, और भी बहुत सारे आइटम्स वो छिपा के रखा था, तभी तो वो मैक्लेरी का रूप धारण करके बाहर चला गया, तो इतना चीज़ वो छिपा के रखा था। और जैक्सन ने चेक किया था और उसने बोला था कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसने ठीक से चेक नहीं किया था, ठीक है। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विथ विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, तो ये सब चीज़ तो छिपा के रखा था और साथ ही साथ उसने एक ऐसा वेपन भी छिपा के रखा था जिससे उसने मैक्लेरी को इतना जोर से सिर में हमला कर दिया। अ प्रिजन वैन पैक्ड अलोंग साइड, तभी क्या होता है, एक प्रिजन वैन पीछे की तरफ आता है, बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर इतने अभी टेंशन में है कि वो हिलते नहीं है वहाँ से। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन,
और वो अभी भी वो सामने जो उनके पेज जो लिए जो वो लिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट पेज था वो अभी लिए हुए हैं और उसको आगे आप पढ़ते हैं। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, आपको जाना है हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रा ब्रेन। तो वो पढ़ते हैं कि हेडिंगटन से होते हुए आपको कहाँ जाना है, न्यू ग्रा ब्रेन, उससे न्यू ग्रा ब्रेन वेयर ऑन अर्थ, ये कहाँ पे है न्यू ग्रा ब्रेन। तो वो ये सही वर्ड पढ़े हैं कि नहीं इस पर डाउट है, क्योंकि वो जर्मन में लिखा हुआ है और उनको जर्मन अभी उतने से याद है नहीं, तो वो गेस करते हैं कि ये न्यू ग्रा ब्रेन तो नहीं लिखा हुआ है, न्यू समथिंग न्यू और कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये न्यू से, कहीं ये न्यू ग्रेव तो नहीं लिखा हुआ है, नेवर हर्ड ऑफ इट, ऐसा तो कोई नाम है सुना नहीं है। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव, एक वॉर ग्रेव बोल के जगह है यहाँ पर समवेयर नियर रीडिंग, रीडिंग के पास में, बट लेकिन नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, हो सकता है ये कोई कोड वर्ड है न्यू ग्रा ब्रेन, न्यू से कुछ है। एंड देन इट हिट हिम, अब तब उनके दिमाग में आया न्यू बरी, ओ हाँ न्यू बरी वर्ड है, गॉड यस, न्यू बरी वॉज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, ये काफ़ी बड़ा जगह है, यहीं पर वो इवेंस गया होगा। तो हेडिंगटन राउंड अबाउट से होते हुए न्यू बरी की तरफ जाना है। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, वो ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं, क्या ऑर्डर देते हैं, सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, बोलते हैं कि यहाँ पर तुम जाओ और टेक जैक्सन एंड स्टेफन्स हेयर, और यहाँ से तुम जैक्सन और स्टेफन दोनों को लेके जाओ, एंड वेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और वहाँ पर जब पहुँचोगे तो बेल को ले लेना अपने साथ में। बेल कौन है, चीफ इंस्पेक्टर बेल। तो ये है हमारे लास्ट कैरेक्टर, एट्थ कैरेक्टर, इनको भी अब रोल में ले लिया गया है। तो अभी तक क्या क्या हुआ है, सबसे पहला तो एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले एग्ज़ाम होने के बाद लास्ट में एंड हो गया। एग्ज़ाम एंड होने के बाद स्टेफन को बोला गया कि आप जाके मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आ जाओ, तो स्टेफन वैसा करता है, मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आ जाता है। लेकिन स्टेफन जब वापस जाता है सेल में चेक करने के लिए कि वहाँ पे इवांस है कि नहीं, तो वो देखता है कि मैक्लेरी वहाँ पे पड़े हुए हैं और वो काफ़ी खून से लथपथ है वहाँ पे। तो सबको ऐसा लगता है कि जो बाहर जिसको छोड़ा गया था वो इंसान कौन था, इवांस बाहर चला गया मैक्लेरी का रूप भेस बदल के, और जो अंदर तो जो इंसान था ओरिजिनल मैक्लेरी अंदर ही रह गए, ठीक है इतना हुआ। फिर वो मैक्लेरी को थोड़ा होश आता है, ओरिजिनल मैक्लेरी को अंदर जो सेल के अंदर था उसको होश आता है और उसको भेज दिया जाता है इसके साथ सेवन्थ कैरेक्टर के साथ। सेवन्थ कैरेक्टर कौन था हमारा, कार्टर, कार्टर के साथ उसको भेज दिया जाता है कि आप जाओ उसका वो जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ वहाँ जाओ आप, इतना हुआ। और अभी अब एट्थ कैरेक्टर जो है बेल, वो अब आते हैं सीन में और बेल को लेने के लिए जैक्सन और स्टेफन दोनों को भेजा गया है कि आप जाओ सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन से बेल को लेके आओ, चीफ इंस्पेक्टर है वो, गॉट डैट, बोलते कि समझ गए। ही लिव द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस थ्री एट अ टाइम, और वो फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, एक बार में तीन तीन सीढ़ी वो चढ़ते हैं। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, और बेल को फ़ोन लगाते हैं, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सब बात उनको बताते हैं। वी विल गेट हिम सर, सेड बेल, तो बेल बोलते हैं कि हम उनको पकड़ लेंगे सर, वी विल गेट हिम, हम उसको पकड़ लेंगे, विद अ बीट ऑफ लक, अगर हमारा थोड़ा लक साथ दे दे तो हम उसको पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक, गवर्नर चुपचाप बैठ गए, लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाए और सोचते हैं ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटीफुल लेड, ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, बोला कि कितना अच्छा प्लान बनाया उसने, व्हाट अ क्लेवर फेलो इवन वॉस, कितना चालाक था वो, केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन वो केयरलेस रह गया क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर वहीं पर छोड़ दिया था। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं सब ने कुछ मिस्टेक किया था, वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, हर ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, एंड डेट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, और यही मिस्टेक के कारण कि उसने क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया, यही मिस्टेक के कारण बहुत जल्द वेरी शॉर्टली वो जो मिस्टर क्लेवर इवांस है वो बहुत जल्द अपने सेल में वापस होंगे। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्रिंडेंट बर्स्ट, एंड द सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे। तो तभी उनके जो डेस्क पर फ़ोन रखा हुआ था वो फ़ोन बजता है, और वो फ़ोन किसने किया होता है, सुपरिटेंडेंट कार्टर ने, जो मैक्लेरी को कार में बैठा के ले गए थे। तो वो फ़ोन बजता है और कार्टर बोलते हैं कि मैक्लेरी ने अभी अभी देखा है इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए, दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, उन्होंने कार का नंबर ले लिया है, एंड हैड गिवन चेज इमिडिएटली, और कार का पीछा भी किया, बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन तुरंत ही कार को खो दिए वो लोग, कार कहाँ गया पता नहीं चला हेडिंगटन राउंड अबाउट के बाद। ही मस्ट हैव डबल बैक इनटू द सिटी, तो कार्टर बोलते हैं कि लगता है वो वापस, डबल बैक का मतलब जो रास्ते से आए थे उसी रास्ते में वापस चले जाना, तो वो वापस वो सिटी की तरफ चला गया होगा ऐसा लगता है, लेकिन हमें असलियत पता है कि वो हेडिंगटन राउंड अबाउट के बाद कहाँ गया है, जैसा कि गवर्नर ने यहाँ पर ट्रांसलेट किया था, हेडिंगटन राउंड अबाउट के बाद वो न्यू बरी गया है, हमें तो पता है,
लेकिन कार्टर बोलता है कि हो सकता है वो वापस सिटी चला गया हो जहाँ से वो आया था वहीं पर. नो सेड द गवर्नर क्वाइटली. द गवर्नर बोलता है नहीं नहीं वो वापस सिटी नहीं गया है. नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी. वो न्यूबरी गया है. ही एक्सप्लेन्ड हिज रीज़न फॉर बिलीविंग सो. वो सभी रीज़न बताता है कि उसने ऐसा क्यों बोला. एंड लेफ्ट इट एट दैट. और बोला कि अब आगे आप देख लो. इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ. अब वो आगे का काम पुलिस का था, नॉट हीज, उसका काम नहीं था. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल गलीबल गवर्नर, डैट वॉज ऑल. तो गवर्नर के बारे में दो शब्द यहाँ पे बोला गया है कि वो गवर्नर था, कि वो गुड फॉर अ गीगल. गुड फॉर अ गीगल का मतलब होता है कोई काम का नहीं था, कोई काम का गवर्नर नहीं था, गलीबल था. गलीबल मतलब ऐसा इंसान जिसको कुछ भी बोलो वो विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं गलीबल. तो वो गलीबल गवर्नर था, डैट वॉज ऑल. बाई द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. फिर गवर्नर पूछते हैं कार्टर से कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने मैक्लेरी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया होगा. येस ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ. हाँ मैंने पहुँचा दिया, वो रेड क्लिफ हॉस्पिटल में है. रियली ग्रॉगी. वो काफ़ी ग्रॉगी था. ग्रॉगी मतलब अच्छे से ना चल पाना, वीक एंड अनेबल टू वॉक. तो काफ़ी वो लड़खड़ा रहे थे वेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसेस एंड दे रैंग फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर. तो पहले मैक्लेरी को एग्जामिनेशन ऑफिस ले जाया गया और वहाँ से एम्बुलेंस को बुला दिया गया. तो रेडक्लिफ से एम्बुलेंस आएगा और मैक्लेरी को उठा के ले जाएगा हॉस्पिटल में. द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर. फिर गवर्नर कुछ मिनट बाद रेडक्लिफ में फ़ोन लगाते हैं एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. और पूछते हैं कि एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में कुछ जानकारी लेना है उन्हें. मैक्लेरी यू से. तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि आपने कहा मैक्लेरी ना. येस ही इज़ अ पार्सन. तो जैक्सन गवर्नर रिप्लाई देते हैं कि हाँ वो एक पार्सन है. पार्सन मतलब प्रीस्ट है. आई डोंट थिंक देयर्स एनी वन. तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे मैक्लेरी नाम का कोई इंसान हमारे हॉस्पिटल में है. येस देयर इज़. यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट. बोले हाँ वहाँ पर होगा तो मैक्लेरी नाम का एक इंसान, क्योंकि आपका एक एम्बुलेंस उसे उठाया है एल्सफील्ड वे से. ओ डैट. बोले अच्छा वो. येस वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट. हमने एम्बुलेंस भेजा था वहाँ पर. बट वेन वी गॉट देयर. लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचा द फेलो हैड गॉन. वहाँ पर वो इंसान नहीं था, मतलब मैक्लेरी वहाँ पर नहीं थे. नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज. किसी को पता नहीं वो कहाँ गए. जस्ट वैनिश. लगता है गायब हो गए एकदम ऐसा. नॉट अ साइन. कोई साइन नहीं था उनका. बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग. लेकिन गवर्नर अब आगे का बात सुन नहीं रहे थे. एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विथ एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. और ये सच ऐसा लगा कि उनका कोई फिजिकल अटैक था उनके ऊपर, उनके गर्दन पर. ये सच सुन के उनको इतना सदमा सा लगा. अब सब क्लियर हो रहा है. अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. तो आपको भी अभी क्लियर हो जाएगा. थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा देर में भी क्लियर हो जाएगा. अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंट एस मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. क्वार्टर ऑफ एन आवर 15 मिनट बाद पाया गया कि जो असली जो रेवरेंट एस मैक्लेरी थे सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड. उसको बांध के और गैग्ड. गैग मतलब मुंह भी बांधा हुआ था. वो पाए गए इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. आपको पता है मैक्लेरी का घर ब्रॉड स्ट्रीट में था. तो ये ओरिजिनल मैक्लेरी है, ठीक है. तो उनको अपने घर में ही कैद पाया गया. ही हैड बीन देयर ही सेड सिंस 8:15 AM. तो वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे 8:15 AM सुबह 8:15 से यहाँ पे हूँ. व्हेन टू मैन हैड कॉल्ड एंड. जब दो मैन मुझे कॉल किए और मुझे यहाँ पे बांध के चले गए. तो अभी आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है. तो अभी अगला 2-3 पैरा में आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि स्टोरी कहाँ जा रहा है. तो आगे देखते हैं. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग. तो न्यूबरी में इंक्वायरी किया गया और पूरा दोपहर तक इंक्वायरी चला, लेकिन कुछ पता नहीं चला. नथिंग एट ऑल. एकदम कुछ पता नहीं चला. एंड बाय द टी टाइम और इवनिंग तक एवरी वन इन द प्रिजन न्यू वॉट हैड हैपेंड. प्रिजन में जो लोग भी थे सबको समझ में आ गया कि अक्सर में असली में हुआ क्या है. तो हुआ क्या है असली में. इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लेरी. ऐसा नहीं था हु हैड वॉकड आउट. ऐसा नहीं था कि इवांस जो था वो मैक्लेरी का रूप लेके बाहर चला गया. ऐसा नहीं था. इट हैड बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लेरी हु हैड स्टैंड इन. इवांस मैक्लेरी का रूप लिया तो था लेकिन वो अंदर रह गया. मतलब जो नकली मैक्लेरी एग्जाम लेने आया था इन्वेजिलेटर का रूप लेके, वो तो एग्जाम लेने के बाद बाहर चला गया. और जो असली जो इवांस जो था वो मैक्लेरी का रूप लेके अंदर ही रह गया. जो मिस्टर कार्टर उसको गाड़ी में बैठा के फिर ले गए थे वहाँ पे. तो उसको गाड़ी में बैठा के वहाँ पे ले गए. फिर वो घुमाया और फिर एग्जामिनेशन बोर्ड में पहुँच के एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया. रेडक्लिफ से एम्बुलेंस आया लेने के लिए मिस्टर मैक्लेरी को, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका था और वही था असली इवांस. तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा. अब आगे
The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll around the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. तब इवेंस है, उसने खाना खा लिया, चिप्स और फिश और चिप्स खाना खा लिया, काफ़ी डिलीशियस लगा उसे, और हल्का सा जेंटल स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब टहलना, थोड़ा सा वॉक करने का बाद राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, वो अभी इवेंस अभी यहाँ पर है चिपिंग नॉर्टन में, ये जगह का नाम है, यहाँ पर है वो। तो इवेंस ने फिर डिसाइड किया वॉक करने के बाद कि वो होटल में जाएगा और जल्दी सो जाएगा आज। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन। तो और वो काफ़ी एक नया हैट पहना हुआ था, और वो हैट जो था उसका जो उल्टा सीधा जो चूल काटा बाल काटा हुआ था वो उसे बाल को ढक रहा था, क्लोजली क्रॉप्ड हेयर मतलब छोटे छोटे जो बाल थे उस बाल को वो ढक रखा था वो हैट ने। और वो चलते चलते कहाँ चला गया, रिसेप्शन डेस्क के पास चला गया, अब तक गोल्डन लाइन ये है होटल का नाम, तो इस होटल में वो ठहरा हुआ है और ये होटल है इस जगह पर, तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके बालों को वापस ग्रो करने में, बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन उसका क्या, वो तो कोई मायने रखता है, बाल कभी भी ग्रो करे। ही वॉज आउट अगेन वजेंट ही, असली बात तो मेन मुद्दा तो ये था कि वो बाहर अब निकल चुका था जेल से। अ बिट ऑफ बैड लक, हल्का सा बैड लक आया था उसे, डैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, जब जैक्सन ने उसके नेल सीजर्स जो थे वो ले लिए थे, तो वो बैड लक था। फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विथ हिज ओनली रेजर ब्लेड, क्योंकि अगर सीजर जब लेके चला गया था जैक्सन, उसके वजह से रेजर ब्लेड से ही उसके अपने बालों को काटना पड़ा था प्रीवियस नाइट, तो ये बैड लक था। बट ही हैज़ हैड हिज गुड लक टू, लेकिन उसके साथ एक गुड लक भी हुआ, क्या गुड लक था, जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बबल हैट ऑफ, अगर आप ही सोचिए कि अगर जैक्सन ने उससे उसका बबल हैट ले लिया होता तब क्या होता, दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, तो ये काफ़ी क्लोज कॉल था, मतलब काफ़ी मुश्किल से वो बचा। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉजन्ट सच अ बैड फॉलो, लेकिन फिर भी जो जैक्सन था वो उतना भी बुरा इंसान नहीं था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बीन द बियर्ड, और सबसे बेकार चीज़ तो ये था उसका बियर्ड, दाढ़ी जो था नकली दाढ़ी उसने लगाना पड़ा था, वो काफ़ी बेकार चीज़ था। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, उसको जो प्लास्टर मतलब जिससे बियर्ड को चिपकाया जाता है गालों पे, उसको हमेशा उसे एलर्जी होता है। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड, और अभी भी उसके जो चिन थे वो अभी भी इरिटेटिंगली सोर, सूज गए थे और आलू रखे थे, क्योंकि उसे प्लास्टर से क्या था, एलर्जी था। द रिसेप्शनिस्ट वॉजन द सेम गर्ल हु हैड बुकड हिम इन, तो जब इवेंस होटल में आए थे गोल्डन लायन होटल में अपने आप को एक रूम लेने के लिए आए थे, तब दूसरी गर्ल थी, लेकिन अब जो वापस आया है इवेंस फिर से, तब देखता है कि रिसेप्शन में एक दूसरी लड़की खड़ी है। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन जैक्सन को ये चेंज पसंद आया। एज ही कलेक्टेड द हिस्की ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, जैसे जैक्सन ने उसके हाथों से चाबी ली तो जैक्सन ने काफ़ी अच्छा स्माइल दिया उस लड़की को। टोल्ड हर ही वुडेंट बी बॉदरिंग विथ ब्रेकफास्ट, और उसने बताया कि ब्रेकफास्ट का जरूरत नहीं होगा अगली सुबह। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, और बोला कि मुझे कल सुबह द डेली एक्सप्रेस देना। एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और बोला कि मुझे एक अर्ली मॉर्निंग कॉल दे देना, मतलब इतना बजे मुझे कॉल करके जगा देना। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, और अगला दिन एक और बिजी डे होने वाला था। ही व्हिसल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स, तो लंबे लंबे चौड़े चौड़े सीढ़ियों के जब वो चढ़ के जा रहा था तब वो विशल कर रहा था अपने आप से। ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बिंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग, उसको ये आइडिया काफ़ी पसंद आया कि एक मिनिस्टर का कॉलर पहनना और फिर कोट पहनना, ओवर कोट, ये सब काफ़ी उसे पसंद आया। येस इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लेरी टू वेयर टू ब्लैक फ्रंट्स टू कॉलर्स, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि मैक्लेरी दो ब्लैक फ्रंट मतलब दो ओवरकोट पहन के आया था और दो कॉलर पहन के आया था। तो ये अब आप समझ पा रहे हैं, वो जो नकली मैक्लेरी आया था इवेंस का एग्ज़ाम लेने इन्वेस्टिगेटर का रूप लेके, वो दो कोट पहन के आया था और दो कॉलर पहन के आया था, तभी जब वो एग्ज़ाम दे, जब स्टेफन जब मैक्लेरी को छोड़ने जा रहे थे तब स्टेफन को ऐसा लगा कि मैक्लेरी थोड़े पतले हो गए हैं, तो उसका रीज़न अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो दो कोट पहन के आया था और दो कॉलर पहन के आया था, इसलिए वो थोड़ा पहले थोड़ा मोटा लग रहा था और जब निकला तो थोड़ा पतला लग रहे थे। बट दैट टॉप कॉलर फ्यू, लेकिन उस टॉप कॉलर के साथ कुछ प्रॉब्लम था। इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड, वो जो टॉप कॉलर था वो बार बार क्या हो रहा था, ब्लैक बैक स्टड, पीछे का जो स्टड मतलब बटन, पीछे का जो बटन था वो बार बार स्लिप कर जा रहा था, खुल जा रहा था। एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट व्हेन मैक्लेरी हैड
only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephen's. और एक बार ऐसा मोमेंट आया था, पैनिक वाला मोमेंट, जब ठीक स्टेफन के सामने वो बटन खुलने ही वाला था कि मैकलेडी ने क्या किया, अपना हाथों से उस बटन को रोक लिया, नहीं तो पकड़े जाते वहीं पर. आह, डैट्स गॉट लिटल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट. तो वो छोटा सा प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो गया. दो अ पेन स्ट्रक इन द माउथ वेन एवर द इविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल. और जब वो एविलाई मतलब स्टेफन बार बार जो पीप होल से झांक रहा था अंदर, तो वही बोला जा रहा है. और वो पेन स्टक इन द माउथ, हम जो मुंह में पेन लेके रखे थे, जब जब वो एविलाई अंदर देख रहा था, तो वो भी क्रिटिकल मोमेंट था उनके लिए. इजी, लेकिन जो भी था इजी था. बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर बार्गेन्ड फॉर. फिडलिंग अबाउट, तो वो लोग जो अपना कपड़ा चेंज किए ब्लैंकेट के अंदर में, ठीक है, और तब चेंज किए जब बाहर से स्टेफन अंदर झांक रहा था बार बार, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था. जितना सोचे थे उससे, जितना बार्गेन मतलब सोचे थे उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क निकला वो कपड़ा चेंज करना. एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटिफुली स्मूथली दो. और इसके अलावा बाकी हर चीज़, हर प्लान स्मूथली काम किया. और इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम. हर चीज़ जो उसको प्रॉमिस किया गया था मिला. कौन सा कार? जब कार्टर मैकलेडी को लेके जा रहे थे, मैकलेडी मतलब इवांस, असली इवांस को लेके जा रहे थे, तब उसको कार में क्या हर चीज़ प्रोवाइड किया गया. क्या क्या चीज़ प्रोवाइड किया गया? सोप एंड वाटर, क्लोथ्स, मैप. यस, द मैप, मैप ऑफ कोर्स. क्या चीज़ का मैप था वो? द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर. ये मैप भी मिला उसको कार में, प्रोवाइड कराया गया. ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, और काफ़ी चालाक दोस्त है उसके. क्राइस्ट, हे भगवान. ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर, तो अभी वो होटल का अपना डोर खोलता है रूम का, एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और उसको आराम से बंद करता है. एंड देन स्टूड फ्रोजन ऑन टू द स्पॉट. फिर फ्रोजन मतलब उसको थोड़ा शॉक सा लगता है, लाइक अ मैन हु हैज जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन. तो ऐसा लगता है कि किसी जब कोई इंसान गॉर्गन को देख ले. गॉर्गन क्या होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा वुमेन है जिसका हेयर के जगह पे स्नेक होते हैं यहाँ पर, ठीक है. और कोई भी इंसान जब इसको देखता है गॉर्गन को, तो वो ग्रीक माइथोलॉजी में बोला गया है कि वो इंसान स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहीं पे इवांस के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ. जब इवांस रूम बन करके अंदर में आया, तो उसको कुछ ऐसा सदमा सा लगा, उसने कुछ देख लिया. क्या देखा अभी देखते हैं. सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड डैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी. और उस रूम में एक रूम के बेड में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जो इवांस को उम्मीद था कि वो देखने को मिलेगा. किसे देखा? मतलब इट्स नॉट वॉट ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली. तो इसका मतलब होटल के रूम में कौन था? गवर्नर था. तो मतलब अब लग रहा है कि इवांस तो पकड़ा गया है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नर होटल के रूम में पहुँच चुका है. और गवर्नर बोलता है कि अब कुछ करने का फ़ायदा नहीं है. एज इवांस आईज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, इवांस की आंखें रूम की चारों तरफ देख रही थी कहीं से कुछ हेल्प आ जाए, लेकिन गवर्नर बोलते हैं कि अब कुछ करना बेकार है. आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, होटल के चारों तरफ मेरे लोग हैं, गवर्नर बोलते हैं. वेल देयर वर ओनली टू रियली, बट इवांस डिडंट नो दैट. बहुत सारे लोग तो नहीं थे, सिर्फ दो ही थे, लेकिन इवांस को यह मालूम चलने का जरूरत नहीं था. ही लेट द वर्ड्स सिंक इन, गवर्नर उसको विश्वास दिला देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उसके, वोमेन टू, और वोमेन भी है. डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वॉज रैदर स्वीट, मतलब रिसेप्शन पर जो लड़की थी, पहले भी बोला गया था कि जो जब इवांस होटल को बुक किए थे तब एक दूसरी लड़की थी, और जब वापस आए थे तो दूसरी लड़की मिली थी. तो जो दूसरी लड़की थी वो गवर्नर के साथ मिली हुई थी. तो गवर्नर भाई बोलते हैं कि वो जो ब्लॉन्ड लड़की जो तुमने देखा, ब्लॉन्ड लड़की मतलब ऐसा गर्ल जिसका हेयर वाइट हो या फिर येलो कलर का, उसको बोलते हैं ब्लॉन्ड गर्ल. तो वो स्वीट नहीं है, गवर्नर पूछते हैं इवांस से. इवांस वॉज विजिबली शेकन, तो इवांस को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा था. ही सैट डाउन स्लोली इन द चेयर, इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कूड अफोर्ड. तो उस रूम में एक ही चेयर का जगह था, और उस चेयर पे वो इवांस बैठा. एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, और अपने हाथों पे अपने सिर को रख दिया. फॉर सेवरल मिनट्स देयर वर अटर साइलेंस, कुछ मिनट तक बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था उस रूम में. तो ये देख पा रहे हैं होटल का रूम का पिक्चर दिया गया है, ये है गवर्नर और ये है हमारा इवांस. आगे देखते हैं. फाइनली ही स्पोक, और फाइनली इवांस कुछ बोलता है. क्या बोलता है? इट वॉज डैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज. तो इवांस बोलते हैं मुझे लगता है करेक्शन स्लिप से आपको हिंट मिला. वेल द गवर्नर फेल्ड टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस,
There are a few people who know a little German. तो जब गवर्नर ये बात बोल रहे होते हैं तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन, काफ़ी खुशी से बोलते हैं कि हाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको थोड़ा मोटा जर्मन आता है। क्योंकि मेन हिंट तो कहाँ से मिला था, उस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज था जिसमें जर्मन में कुछ लिखा हुआ था वहीं से सब हिंट मिला है। तो वही गवर्नर बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको गवर्नर थोड़ा आता है, सॉरी जर्मन थोड़ा आता है। स्लोली वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स, धीरे धीरे इवांस रिलैक्स किया। ही वॉज बीटन, वो अब हार चुका था। एंड ही न्यू इट, और इसे ये बात समझ में आ गया था। ही सेट अप एट लास्ट, और बैठा फिर। एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली, और रूफुली मतलब सोरोफुली, दुख से वो थोड़ा हंसता है, मुस्कुराता और बोलता है यू नो इट वॉजन्ट रियली अ मिस्टेक, आप देखिए वो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था। यू सी वी hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. तो इवांस बोलता है कि हमें कोई होटल मिल नहीं रहा था, लेकिन हम लोग कुछ और भी होटल ढूंढ सकते थे। नो द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, वो चीज़ था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ठीक पहले जो फ़ोन आया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉल था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। टू गेट एवरी वन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, वही वो समय था जब कॉल करके हम लोग सबको बिजी कर दिए और रास्ता खाली हो गया और निकलने का मौका मिल गया। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड डिडंट वी, तो ये सब चीज़ हमें करने के लिए ठीक एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले कॉल आने के लिए हमें क्या चीज़ जानना था, एग्जैक्ट टाइम जानना था जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम जब आपको पता लगेगा तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एग्ज़ाम इस टाइम में एंड होगा, और उसके ठीक पहले फ़ोन करना है। इसके साथ ही लोग इवांस के साथ ही लोग जो फ़ोन किए थे कंफ्यूज करने के लिए गवर्नर को, स्टेफेंस को, वो सब फ़ोन कॉल का बात किया यहाँ पे किया जा रहा है। तो वही पे बोला जा रहा है कि सबसे मेन चीज़ क्या था कि ये पता लगाना था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ, तो ये बात कैसे पता चला। एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद डैट लिटल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्लेट, गवर्नर बोलते हैं और बेवकूफ़ की तरह मैंने वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्लेट में सजा के दे दिया, आसानी से बता दिया। तो कैसे पता चला, अभी पता चलेगा। वेल समबडी डिड, हाँ किसी ने तो सम इन्फॉर्मेशन दिया हमें। सो यू सी सर डैट करेक्शन स्लिप किल्ड टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन डिडंट इट, तो वो जो करेक्शन स्लिप था, एक फ़ोन आया था आपको याद होगा कि एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आया था कि करेक्शन स्लिप कोई भूल गया है, तो करेक्शन स्लिप से एक तीर से दो निशाना लग गया। ठीक है, कैसे लग गया, द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, उस करेक्शन स्लिप में होटल का नेम छिपा हुआ था। आपको याद है कुछ करेक्शन करवाया गया था, जूम गोल्डन इन लॉयन, ये कुछ करेक्शन कराया गया था, तो गोल्डन इन लॉयन मतलब गोल्डन लॉयन, उसी से होटल का नाम आने वाला था। और एक पहला चीज़ तो ये पता चला, होटल का नाम पता चला करेक्शन स्लिप से, और क्या पता चला, एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर, और एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ है एग्जैक्ट उसका टाइम पता चल गया करेक्शन स्लिप से। द गवर्नर नोडेड, गवर्नर बोला, सिर हिला के बोलता है हाँ इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड, एक काफ़ी कॉमन वर्ड था। गुड जॉब, इट्स अ प्रीटी कॉमन, हाँ सर काफ़ी कॉमन है ये वर्ड, और आई वुड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, अगर कॉमन नहीं होता तो मैं समझ नहीं पाता कि मुझे कहाँ आना है। कौन सा कॉमन वर्ड बोला जा रहा है, गोल्डन लायन का नाम बोला जा रहा है कॉमन वर्ड। नाइस नेम दो, जूम गोल्डन एंड लॉयन, बोले कि अच्छा नाम है जूम गोल्डन एंड लॉयन। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वॉज, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, तो इवांस पूछता है कि आपको कैसे पता चला कौन सा गोल्डन लाइन में हम ठहरे हुए हैं, ऐसे तो सौ ठो गोल्डन लाइन है होटल यहाँ पे। सेम एज यू, गवर्नर बोलते हैं ठीक उसी तरह जैसे तुमने पता लगाया। इवांस इंडेक्स नंबर 313 सेंटर नंबर 271 रिमेंबर सिक्स फिगर्स, एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शायर यू फाइंड दैट द सिक्स फिगर रेफरेंस 313/271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ द चिपिंग नॉर्टन, जब आप मैप में देखोगे इस नंबर से तो आपको पता चलेगा कि चिपिंग नॉर्टन के ठीक मिडल में एक गोल्डन लॉयन होटल है, उस होटल में आना है, तो इससे पता चला उनको कि ये गोल्डन लॉयन में आना है। या यू आर राइट, तो इवांस बोलते हैं कि हाँ आप सही है, हाँ वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी, हमने तो सोचा था कि आप न्यूबरी चले जाएंगे, तो गवर्नर बोलते हैं वी डिड, हम चले भी गए थे। वेल डैट समथिंग आई सपोज, तो इवांस बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगा। डैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल डैट जर्मन, आई कुड हार्डली, तो गवर्नर बोलते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर इवांस तुम्हें क्या समझ में आया, वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से, मुझे तो समझ में नहीं आया। ना कोर्स आई कुड नॉट, तो इवांस बोलते हैं कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आया। आई न्यू रफली वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, मुझे मुश्किल से ही पता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में, बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन हमें ये उम्मीद था कि वो कुछ स्पैनर्स मतलब इडियट, कुछ इडियट को इसमें कन्फ्यूज़ कर देगा, यू नो सॉर्ट ऑफ मॉडल एवरी वन अबिट, सबको कन्फ्यूज़ कर देगा एवरीबडी। द
गवर्नर स्टूड अप, जर्मन लैंग्वेज का उसी लिए यूज़ किया गया था कि लोग कन्फ्यूज हो जाए उससे। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, जाने से पहले एक बात बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, उतना सारा ब्लड तुम्हारे पास कहाँ आया अपने सिर पर डालने के लिए। इवान सडनली लुकड अ लिटल हैप्पियर, तो ये क्वेश्चन सुन के इवान थोड़ा खुश हो गया। क्लेवर सर, लाइक वेरी क्लेवर इट वॉज, दैट वॉज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इन टू अ सेल है, तो देखिए ये काफ़ी चालाकी का काम था सेल में ब्लड लाना। वेन देर नन देर टू स्टार्ट ऑफ विथ, देखिए स्टार्ट कहाँ से करें, एंड वेन द इन्वेजिलेटर सेल भी से, तो स्टार्ट करते हैं इन्वेजिलेटर से, जब इन्वेजिलेटर अंदर आया सर्च बिफोर ही कम्स इन, और जब उसका सर्च किया गया, यस सर, हाँ सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट डैट, हाँ आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर्चिंग से रिलेटेड, एंड आई डोंट नो इफ आई आउट टू टेल यू, और मुझे पता नहीं मुझे ये बात आपको बताना चाहिए कि नहीं कि इतना सारा ब्लड आया कहाँ से, आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज दैट पर्टिकुलर, क्योंकि मैं इस ट्रिक को आगे भी यूज़ कर सकता हूँ। एनीथिंग टू डू विथ अ लिटल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स, तो गवर्नर खुद ही गेस करके बोलते हैं कि कहीं वो रबर रिंग से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं उसमें तो ब्लड नहीं था जो पाइल्स के लिए मैकलेडी लेके आए थे। इवांस ग्रीन फीबली, तो इवांस हंसता है धीरे धीरे और बोलता है क्लेवर दो वॉजंट इट, तो काफ़ी क्लेवर काम था ना ये, मतलब उसी में ब्लड था। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस, तो गवर्नर बोलते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल जॉब होगा इतना सारा खून लगाना सिर पर। ना यू गॉट इट रॉन्ग सर, लेकिन ना ही सर ये बहुत ही आसान था, नो प्रॉब्लम अबाउट डैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो गवर्नर पूछते हैं नो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इवांस बोलते हैं ना इट्स द क्लॉटिंग यू सी, खून का जमना काफ़ी प्रॉब्लम था, डैट्स द बिग ट्रबल, वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, ब्लड तो हमें आसानी से मिल गया, पिक्स ब्लड, वो पिक्स का ब्लड था, इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन, तो किडलिंगटन में स्लॉटर हाउस है वहाँ से वो ब्लड लाया गया था ब्लड, बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, लेकिन वो ब्लड का क्या था, बहुत जल्द जम जाता है, वो सूख जाता है, तो उसको क्लॉट करने से बचाने के लिए हमें उसमें मिक्स करना होगा एक्चुअल ब्लड। इवांस टूक अ ब्रेथ, और सांस लेता है वो और बोलता है विथ वन टेंथ ऑफ योर ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट, तो जितना भी पिक का ब्लड है उसका वन टेंथ वॉल्यूम ये सॉल्यूशन लेना होगा 3.8% ट्राई सोडियम, और ये मिला देने से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा जल्दी। डिंट नो डैट डिड यू सर, तो सर मुझे लगता है आपको ये बात पता नहीं था पहले से। द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन, तो गवर्नर अपना सिर हिलाया, बोलता है नहीं मुझे पता नहीं था, और एडमायर भी कर रहा है कि काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया इवांस ने। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, दे टेल मी, वैसा लोग बोलते हैं, कम ऑन माई लैड, देखिए अब चलो जेल चलो वापस। इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, इस इवांस हल्का सा भी रेजिस्टेंस नहीं किया, ना नहीं बोला, एंड साइड बाई साइड द टू मैन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर्स, और दोनों एक दूसरे के साथ साथ धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। टेल मी इवांस हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, मतलब गवर्नर पूछते हैं कि तुमने इतना सारा प्लानिंग कर कैसे लिया, यू हैड नो विजिटर्स, कोई विजिटर भी नहीं था, आई हैव सीन टू डैट, मैंने खुद इसका ख्याल रखा था कि कोई तुमसे मिलने ना आए, यू हैव नो लेटर्स, ना कोई चिट्ठी आया तुम्हारे पास, तो इतना सारा चीज़ तुमने प्लान कैसे कर लिया, तो इवांस जवाब देता है आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त है। व्हाट दैट सपोज टू मीन, द गवर्नर पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इवांस बोलता है मी जर्मन सर फॉर अ स्टार्ट, एग्जाम्पल के लिए आप जर्मन टीचर का ले लीजिए एग्जाम्पल, तो इसका मतलब जो जर्मन टीचर था वो भी मिला हुआ था इवांस से। यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, तो गवर्नर को भी ये बात विश्वास नहीं होता है, बोलता है कि लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे, वो कैसे तुमसे मिले हुए हो गए। वॉज ही, इवांस वॉज ऑलमोस्ट इन्जॉइंग इट ऑल, तो इवान बोलता है कि ऐसा सच में है क्या, सच में वो टेक्निकल कॉलेज से थे क्या। एवर चेक हिम अप, चेक अप ऑन हिम सर, क्या आपने कभी चेक किया ऐसा। गॉड अलमाइटी देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई, तो गवर्नर बोलता है कि हे भगवान ये बहुत चीज़ यहाँ पे चल रहा है। ऑलवेज विल बी सर, तो इवान बोलता है कि ऐसा चलता रहेगा सर। एवरीथिंग रेडी आस्क द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, तो जब रिसेप्शन में पहुँच गए तो गवर्नर पूछते हैं कि हर चीज़ रेडी है। द वैंस आउटसाइड द फ्रंट सर, सेड द प्रीटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि द जो पुलिस का जो वैन है वो आउटसाइड खड़ा है, फ्रंट में खड़ा है। द इवांस विंक्ड एट हर, तो इवांस उसको आँख मारता है, एंड सी विंक्ड बैक एट हिम, और वो लड़की भी उसको आँख मारती है वापस। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, और इससे उसका तो दिन बन गया, वो काफ़ी खुश हुआ इससे। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ द रिकैप्चर्ड इवांस, एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर इवांस को हाथों में हथकड़ी लगा देता है। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन, और साथ में दोनों मैन
मतलब वो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर और इवान दोनों ही उस प्रिजन वैन में दोनों आपस क्लाइम कर जाते हैं, क्लाइंबर मतलब क्लाइम करना, गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। सी यू सून इवान्स, तो गवर्नर बोलते हैं कि फिर मिलते हैं इवान्स। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वॉज सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी। ऐसा लग रहा था कि एक दोस्त अब दूसरे दोस्त को अलविदा कह रहा है आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी, ऐसा लग रहा था। चेरो सर, आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, आई नो योर जर्मन प्रीटी गुड सर, बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दिस मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो इवान्स बोलता है कि चेयर सर, बोलता है कि मुझे एक सवाल और पूछना है, मुझे तो ये पता है कि आपका जर्मन का नॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे आपको ये भी पूछना है कि आपको कोई और मॉडर्न लैंग्वेज आता है क्या? तो गवर्नर जवाब देते हैं नॉट वेरी वेल, वाई, मतलब उतने अच्छे से नहीं आता है, क्यों? तो इवान जवाब देता है, इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कम्फर्टेबली ऑन द बैक सीट, आराम से बैठता है बैक सीट में एंड ग्रीन्ड हैप्पीली और मुस्कुराता है खुशी से। नथिंग रियली, मतलब कोई बात नहीं है, आई जस्ट हैपन टू नोटिस डैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल लैटिन इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, डैट्स ऑल। मतलब कि मैं यही सोच रहा था कि अगले सेप्टेम्बर में आपके इंस्टीट्यूशन में ओ लेवल इटालियन क्लास होने वाला है, तो तब फिर एक नया प्लान बनेगा। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर इवान्स, तो गवर्नर बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम नेक्स्ट सेप्टेम्बर तक यहाँ पे हो ना। तो जेम्स रॉड्रिक इवान्स अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स रिप्लाई। तो इवान्स जो था वो इस बात पे थोड़ा सोचा और बोला कि नो परहैप्स आई वॉन्ट, ही सेड, बोला कि ना हो सकता है अगले सेप्टेम्बर तक यहाँ पे ना हो। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, द हिथर्टो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ्स एंड लीन फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ड्राइवर। तो जो प्रिजन वैन था वो चलना स्टार्ट कर देता है चिपिंग राइट से, चिपिंग नॉर्टन से राइट टर्न लेता है टू द ऑक्सफोर्ड रोड, और अब तक जो साइलेंट बैठा था प्रिजन ऑफिसर वो क्या करता है, अनलॉक कर देता है इवान्स का हथकड़ी को, हथकड़ी खोल देता है और सामने झुक के ड्राइवर को बोलता है फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, बोलता है कि भगवान के लिए जल्दी चलो, इट वॉन्ट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये फाइंड करने में। तो अब हमें समझ में आता है कि वो जो पुलिस प्रिजन वैन था वो भी मिला हुआ है इवान्स से, तो ये भी एक उसका प्लान का हिस्सा था। तभी भी इवान्स पकड़ा नहीं गया है, वो अभी फिर भाग रहा है। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट। और ये ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट आपको याद होगा, मैक्लेरी का बात किया जा रहा है, नकली मैक्लेरी का, वही ड्राइवर है यहाँ पर, वो बोलता है कि कहाँ चले आप, कहाँ बोलते हैं कहाँ चलने, वट अबाउट न्यूबरी, सजेस्टेड इवान्स। तो इवान्स बोलते हैं क्यों ना न्यूबरी चले, चलो न्यूबरी चलते हैं। तो इवान्स फाइनली वो जेल तोड़ के भागने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब उसने चौथा बार एस्केप कर लिया उस प्रिजन से। तो यही है फिर ये स्टोरी, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं इस पूरे स्टोरी को, थोड़ा समराइज़ करते हैं ताकि जो भी डाउट हुआ हो आपको बीच में वो सब क्लियर हो जाए। तो एक बार इस पूरे स्टोरी को एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार इस पूरे स्टोरी का समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ड्रामेटिस पर्सन है, इसमें सेक्रेटरी गवर्नर इवान्स, जैक्सन स्टेफेंस, एस मैक्लेरी, कार्टर और बेल, ये 8 कैरेक्टर है टोटल। ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन होने वाला है HM प्रिजन में, तो सेक्रेटरी कॉल करते हैं गवर्नर को और कुछ बात करते हैं कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब कुछ बताते हैं कि कैसा कैसा है। जो एग्ज़ाम देने वाला है उसका नाम है इवान्स, पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवान्स, और यहाँ पे बताया गया है कि इवान्स ने ओ लेवल जर्मन का क्लासेस अटेंड किया था लास्ट सेप्टेम्बर से और अभी चल रहा है मार्च का महीना। फिर कुछ बात उत हुआ था दोनों गवर्नर और सेक्रेटरी के बीच में, और पता चलता है कि इवान्स जो है वो पहले 3 बार प्रिजन से भाग चुका है। तो ऐसे बातचीत होता है और सेक्रेटरी रेडी हो जाते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, और जून का महीना में फिर जर्मन टीचर उसको गुड लक विश करते हैं, और उसके अगले ही दिन मतलब 7 जून को गुड लक विश करते हैं, तो 8 जून को एग्ज़ाम होता है। और उस दिन सुबह 8:30 बजे 2 विजिटर आते हैं, जैक्सन और स्टेफन्स। जैक्सन पूरे सेल का तलाशी लेते हैं और उसको बोलते हैं शेव कर लो, और लेकिन इवान्स रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो बबल हैट है वो रहने देने के लिए। फिर ये सब हमने देखा। उसके बाद 8:45 में जो रेवरेंट एस स्टुअर्ट मैक्लेरी जो है, ये नकली मैक्लेरी है, ये आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए इन्विजिलेटर के रूप में, और वो एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है। एग्ज़ाम 9:15 से शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में एस मैक्लेरी का उसको चेकअप किया जाता है कि कहीं वो कुछ सामान ना लेके आए हो अंदर में, तो चेकअप करने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, और एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 9:25 AM में। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और वो साथ में अपने साथ क्या लेके आए होते हैं, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि उन्हें क्या है, होमोरॉइड्स है, क्योंकि होमोरॉइड्स मतलब पाइल्स, उनको बीमारी है।
फिर ये सब देखते हैं और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कुछ लिखो, राइट हैंड कॉर्नर में कुछ लिखो, ये सब कुछ बोला जाता है। उसके बाद 9:25 में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, फिर एग्ज़ाम चलते रहता है और फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक कॉल आता है एग्जामिनेशन बोर्ड से, असिस्टेंट सेक्रेटरी कॉल करते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड से और बोलते हैं कि किसी ने करेक्शन स्लिप डालना भूल गया और हमें पता है इस करेक्शन स्लिप से क्या क्या हिंट है। करेक्शन स्लिप के जरिए कुछ तो क्वेश्चन में करेक्शन करवाते हैं। क्वेश्चन में करेक्शन क्या करवाते हैं, ये एक वर्ड है जूम गोल्डन एंड लोवेन, ये करेक्शन करवाते हैं और इसका हिंट हम लोग जान चुके हैं, इसमें होटल का नाम छिपा हुआ है ये बताते हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या देता है करेक्शन स्लिप, ये बताता है कि एग्जैक्ट टाइम पे कब कितने टाइम पर एग्जैक्टली एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, दो इन्फॉर्मेशन बताता है करेक्शन स्लिप। उसके बाद हमने देखा एग्ज़ाम चल रहा है और फिर इवेंस रिक्वेस्ट करता है एक ब्लैंकेट के लिए क्योंकि रूम में ठंडा है, और लेकिन हमें पता है कि ब्लैंकेट का असली में रोल क्या था, उस कपड़ा चेंज करने के लिए ब्लैंकेट को लिया गया था वहाँ पे, और दोनों आपस में मिले हुए हैं, एसमैक्लेरी मतलब नकली एसमैक्लेरी और इवांस दोनों आपस में मिले हुए हैं। और तब तक जो स्टेफन जो था वो पी फोल्स के जरिए लगातार सेल में झांक रहा था, अंदर देख रहा था कि सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं। फिर 11:22 में जैक्सन बोलता है स्टेफन को कि गवर्नर ने तुम्हें बोला है कि तुम जाओ मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आओ, लेकिन कोई नकली गवर्नर यहाँ पे फ़ोन किया होता है जैक्सन को, ये हमें पता है। फिर ऐसे करके उसको बाहर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन स्टेफन को संतुष्टि नहीं होता है, वो वापस आके सेल में चेक करता है कि इवांस ठीक ठाक है कि नहीं, और आके देखता है कि वहाँ पे इवांस नहीं है बल्कि एस मैक्लेरी है, लेकिन हमें पता है वो असली में इवांस ही होता है और उसके सिर से पूरा ब्लड निकल रहा होता है, ये सब हुआ। फिर इसके बाद वो जो नकली जो मैक्लेरी है मतलब इवांस जो है वो बोलता है कि मुझे पता है इवांस कहाँ गया है, और वो बताता है कि क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेपर में फोटोकॉपीड एक पेज चिपका हुआ था जिसमें जर्मन में कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था एन्सफील्ड वे, वहाँ चलो। तो फिर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर आते हैं और उसको लेके जाते हैं एन्सफील्ड वे में लेके जाते हैं ताकि पता चल पाए कि इवांस कहाँ गया है, लेकिन असली में सब मिले हुए हैं वो लोग। तो कार्टर तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन एस मैक्लेरी उसके साथ जाते हैं और फिर वो कार्टर क्या करता है उसको एग्जामिनेशन बोर्ड ले जाकर वहाँ पर ड्रॉप कर देता है, और रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन भी कर देता है कि आप लोग आए और एस मैक्लेरी को वहाँ से ले जाए। और तब तक जो गवर्नर है वो उस जर्मन क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ जाता है कि वो लोग न्यूबरी में जाने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन। फिर वो बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर बेल को, जैक्सन और स्टेफन को बोलते हैं कि जाओ इनको बुला के ले आओ, इनको कॉल भी करते हैं कि आप आइए सब मामला बताते हैं, और वो बेल बोलते हैं कि अगर हमारा लक साथ दे तो हम लोग जल्दी ही इवांस को पकड़ लेंगे। फिर इतना होता है, फिर बाद में गवर्नर जब कॉल करते हैं रेडक्लिफ में तो पता चलता है कि वहाँ पे तो रेडक्लिफ का एम्बुलेंस आया था एग्जामिनेशन बोर्ड में मैक्लेरी को लेने के लिए, मैक्लेरी मतलब असली इवांस को लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। तब गवर्नर को समझ में आता है कि पूरा मामला क्या है, अंदर में जो मैक्लेरी रुका हुआ था वो था असली इवांस और जो बाहर मैक्लेरी गया वो नकली मैक्लेरी था। इतना हुआ। फिर यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है कि इवांस फाइनली कहाँ गया था, चिपिंग नॉर्टन में गया था और गोल्डन लाइन होटल में रुका हुआ था वो। उसके बाद बताता है कि क्या सब हुआ, क्या चीज़ अच्छा हुआ, क्या गुड लक था, क्या बैड लक था, ये सब बताया गया, क्या क्या चीज़ उसको कार्ड में सप्लाई किया गया वो लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में दिखते हैं कि जब इवांस अपने होटल रूम में आता है तो देखता है कि गवर्नर पहले से आके वहाँ पे बैठा हुआ है, ये देख के उसको पूरा विजिबली शेकन मतलब शौक सा लगता है उसको। और फिर पूरा दोनों में बातचीत चलता है कि कैसे वो सब अरेंजमेंट हुआ था, फिर दोनों में बहुत बातचीत चलता है कि सब राज खुलता है यहाँ पर। और फिर लास्ट में गवर्नर बोलते हैं कि अब चलो वापस प्रिजन में चलो, तो उसको जाके गाड़ी में बिठा देते हैं प्रिजन वैन में बिठा देते हैं, लेकिन फिर प्रिजन वैन का इंसान लोग भी इस इवान से मिला हुआ होता है, तो लोग बोलते हैं कि अब कहाँ चले वापस, तो इवान सजेस्ट करता है कि चलो न्यूबरी चलते हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ये स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने का। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।